नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारे देश की मिट्टियों पर बनी खास सीरीज भारत की मिट्टियाँ। इस सीरीज के हम अभी तक 4 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना लैटराइट मिट्टी के बारे में, और इससे पहले हम 3 तरह की मिट्टियों को आसान लफ्जों में समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी मिट्टी के बारे में जिसका हमारे खाने में बहुत बड़ा रोल होता है, या यह कह लीजिए कि उसके बिना हमारे खाने में स्वाद आएगा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का खाने से क्या संबंध। हम आपको बता दें कि यह मिट्टी आपको आपके खाने के लिए वो सबसे जरूरी चीज देती है जिसके बिना आपका खाना बेस्वाद लगता है। तो अब पता लगा पाए, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका जवाब है नमक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नमक तो खारे पानी से बनता है, इसमें मिट्टी का क्या रोल है? तो चलिए जानते हैं फिर। इसी का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो मिट्टी जिसकी खूबी ही पानी की कमी है और हमारे देश के सूखे पड़े इलाकों में पाई जाती है, जहाँ ना कोई जीवन है ना कोई हरियाली हमें मिलती है, यह है शुष्क मिट्टी, जिसे आसान शब्दों में रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एरिडिसोल्स। यह शब्द लैटिन भाषा के एरिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूखा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में तापमान में बदलाव तेजी से होता है। दिन के समय में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा रात के समय तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से चट्टाने, जिसमें हमारी सिंधु घाटी शामिल है, तापमान बढ़ने से फूल जाती हैं तथा तापमान गिरने से चट्टाने सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। राजस्थान के थार में हवाएं बहुत तेज स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से ये चट्टाने टूट के बिखर जाती हैं, और जब तेज हवा में चट्टान के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो यह एक मिट्टी में बदल जाते हैं। हवा इन बारीक मिट्टी के कणों को उड़ाकर दूसरी जगह जमा देती है। जहाँ ये मिट्टी जमती है वहाँ रेत के टीले बन जाते हैं। इस मिट्टी का रंग पीला और लाल से भूरा होता है। इसके अंदर 5-10% तक मिट्टी और 90-95% तक रेत शामिल होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें इस मिट्टी से आखिर क्या फ़ायदा होता है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा नमक पाया जाता है, और साथ ही इस मिट्टी में पानी ना के बराबर होता है, और इस मिट्टी में ना ही कोई ऐसा पोषक तत्व होता है जिससे फसल की पैदावार बढ़ सके। लेकिन इस मिट्टी में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सही मात्रा में पानी देने पर हमें अच्छी फसल दे सकते हैं। इन तत्वों में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम शामिल है, जो ज़्यादा नहीं पर अगर मिट्टी को सही मात्रा में पानी दें तो यह भी हमें अच्छा फसल उत्पादन करके दे सकती है। इन फसलों में बाजरा, ज्वार, मटर, मोठ, गेहूं और मूंगफली शामिल है। हमारे देश के ऐसे कौन से इलाके इसमें शामिल हैं जहां यह मिट्टी पाई जाती है? यह मिट्टी हमारे देश के सूखे और रेतीले इलाकों में पाई जाती है, जहां पानी ना के बराबर होता है और तेज हवाएं, बदलता मौसम और हरियाली का कोई नामो निशान नहीं। इसमें सबसे पहले आता है राजस्थान का थार मरुस्थल, फिर आता है कच्छ का रण, और फिर डेजर्ट ऑफ लद्दाख। इसी के साथ ही इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना के डेकन रेगिस्तान भी इसमें शामिल है। यह रेतीली ज़मीन हमारे देश के तकरीबन 4.5% भाग में फैली हुई है, जो कि सभी की नज़रों में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुई है। हर साल शौक से कई टूरिस्ट हमारे रेगिस्तानों का अनुभव लेने के लिए आते हैं और साथ ले जाते हैं अपने साथ हमारे देश की सुनहरी यादें। अब आपको इस सवाल का जवाब भी दे दें कि इस मिट्टी से नमक कैसे बनाया जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है, जिसमें मिट्टी को पानी में घोल दिया जाता है, फिर मिश्रण को छान के उसे धूप में सुखा दिया जाता है, यानी बर्तन को ले जाके धूप में सुखा दिया जाता है। इसमें पानी भाप बन के उड़ जाता है और बर्तन में रह जाता है नमक, जिसे आमतौर पर खड़ा नमक के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं नए एपिसोड और नई मिट्टी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।